ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और ये मंगल की राशि में जा रहे हैं, मंगल के साथ जा रहे हैं। बुध की राशि में मंगल और शुक्र दोनों ही रहेंगे। मंगल शुक्र बुध ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी मल्टी टैलेंटेड इंसान को बना देता है। जिसकी कुंडली में मंगल बुध शुक्र तीनों ही साथ में हो तो बुध शुक्र के कारण जो है ये लक्ष्मी नारायण योग फॉर्मेशन कर देता है। हालांकि यहाँ पर बुध ग्रह नहीं रहेंगे, बुध की राशि में रहेंगे तो बुध का प्रभाव तो यहाँ पर शुक्र पर भी पड़ेगा और मंगल पर भी पड़ने वाला है। तो इसका जो गोचर होगा 2 मई से लेकर 30 मई तक रहेगा और इसके दौरान बहुत सारी उथल पुथल भी चीज़ें होने वाली है। मंगल एक पुरुष ग्रह है जबकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है। जब भी एक पुरुष ग्रह स्त्री ग्रह के संपर्क में आता है तो वहाँ पर एक ऊर्जा का संचार होता है और यहाँ पर प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन के लिए। देखिए, मेष लगन वाले जातकों को जो मैं चार्ट आपको दिखा भी रहा हूँ बगल में, मेष लगन में आपका जो मंगल ग्रह है उसको डिपार्टमेंट क्या मिला हुआ है, आपका खुद लग्नेश है और अष्टमेश है और खुद मंगल जो है आपके लगन से तृतीय भाव में पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और साथ में शुक्र ग्रह भी पराक्रम में जाकर बैठेंगे जो कि सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है। तो अब होगा क्या, इसका संक्षिप्त में क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इस समय मेष लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि धन का जो मालिक है मेहनत में जाकर बैठ रहा है, मंगल के साथ बैठ रहा है, तो धन के अर्जन के लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा। मंगल वैसे भी एक मेहनती प्लैनेट होता है और मंगल जो होता है ऊर्जा का संचार कराता है और बहुत एग्रेसिव भी होता है, तो धन को कमाने के लिए काफ़ी एग्रेसिव एक्शन आपको लेना पड़ेगा। और जिस भाव में जा रहा है वहाँ से 12th हाउस द्वादश हो जाएगा, मतलब जो सेकंड हाउस है वो द्वादश हो जाएगा क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक है। इस कारण जो आपको कुटुंब से दूर जाना पड़ सकता है, अकस्मात अपने परिवार से कुछ टाइम के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है, शुक्रदेव यहाँ पर निश्चित रूप से कराएंगे। जहाँ पर शुक्रदेव बैठेंगे वो अपने ही घर से नवम पंचम योग बना देंगे सप्तम भाव से, तो वो जीवन साथी के लिए एक अच्छा रहेगा। अगर जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी वो परेशानी मेष लगन वाले जातकों के लिए एटलीस्ट कम होगा और धार्मिक अभिरुचि इस कारण से बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर कहा जाए तो धन का संचार तो होगा लेकिन मेहनत खूब करना पड़ेगा और धार्मिक यात्राएं या परिवार से थोड़ी लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में आपका लग्नेश जो होता है वो शुक्र होता है। मैं वृषभ लगन ओपन कर लेता हूं। देखिए, वृषभ लगन में आपका लग्नेश खुद शुक्र है और अभी तक ये लगन भाव में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना रहा था, अब ये राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में चला जाएगा। द्वितीय भाव में शुक्र देव का जाना बहुत अच्छा नहीं मानूंगा क्योंकि हेल्थ के मामले से यहाँ पर थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। शुक्र कभी भी अष्टम को देख ले, आपका लग्नेश अष्टम को देख रहा है, इनडायरेक्टली कहा जाए तो आपकी बॉडी अष्टम को देख रही है, रोग को देख रही है, ऑब्स्टकल्स को देख रही है, तो अष्टम भाव जो है देखने के कारण यूरिन इन्फेक्शन का अकस्मात बढ़ जाना और साथ में जो लोग डायलिसिस पर हैं उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। द्वितीय भाव में धन का संचार तो शुक्रदेव करा देंगे और धन भी कहाँ से, क्योंकि स्त्री ग्रह है तो स्त्रियों के कारण जो है धन का संचार आपके पास होगा। स्त्रियों में आपकी के माता हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई स्त्रियाँ हों, आपके दोस्तों में कोई स्त्रियाँ हों, उनके कारण जो है धन का संचार होगा और धन संचार होने के कारण जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो काफ़ी दिनों से चल रही थी वो थोड़े हद तक कम होता हुआ मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये जो समय रहेगा स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा नहीं है, बेहद आपको यहाँ पर ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि ये युति कर रहे हैं मंगल से। मंगल जो आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और साथ में आपके सप्तमेश भी होते हैं, इसके लिए विदेशों से लाभान्वित ज़रूर करा देंगे, विदेशों से लाभान्वित करा देंगे, ऑनलाइन कार्यों से आपके पास धन का संचार होगा। जो लोग विदेश थे वो वापस अपने घर आ सकते हैं और यहाँ पर ट्रैवलिंग के कारण जो है कुछ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और
फंड्स में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और जीवन साथी के साथ जो है कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी अब खत्म होते हुए दिख रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों बैठा, अभी तक केवल मंगल दुर्घटना के योग बना रहा था, लेकिन अब शुक्र भी आपकी पूरी बॉडी दुर्घटना में जा रही है, तो वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, नहीं तो अकस्मात चोट चपेट लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में शुक्र देवता को द्वादश स्थान मिला हुआ है और साथ में छठवें घर, साथ में पंचम स्थान मिला हुआ है, तो शुक्र देवता को आपकी कुंडली में एक तो द्वादश के मालिक हो जाते हैं और साथ में आपके पंचमेश भी होते हैं, और खुद ये कहां पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके लगन में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस समय बौद्धिक क्षमता जो होगी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। विदेश से कोई काम करना चाहते हैं या इंपोर्ट का बेसिकली अगर आप काम करते हैं या एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी डील यहाँ पर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। दूर संचार माध्यमों से भी एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। आय के साधन और व्यय के साधन दोनों को लेकर लगन में बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल आपके इनकम के मालिक हो जाते हैं, तो इनकम का मालिक और द्वादश खर्च का मालिक जब दोनों साथ में रहेगा तो खर्च और इनकम में सामंजस्य आप स्थापित कर पाइएगा, इसलिए फाइनेंस की स्थिति बहुत गड़बड़ नहीं होगी, संतुलित रहिएगा, और संतुलित रहने के कारण अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल शुक्र दोनों का कंजुगेशन हो रहा है तो सप्तम भाव का भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी बॉडी जो है वो इस समय इनकम में ऑलरेडी बैठी हुई है, इसलिए आय के स्रोत तो बढ़ना फिक्स्ड है, नए प्रकार के बिजनेस डील इत्यादि होने की संभावना बढ़ती है और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे परिणाम रहेंगे। स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन अकस्मात जो किसी के साथ वाद विवाद होने की संभावना भी बढ़ती है, इसलिए बेहद सावधान रहिएगा। वार्तालाप करते समय आपको 90 तुले हुए वर्ड का यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए कर्क लगन वाले जातकों के लिए मंगल देवता को एक तो पंचम स्थान मिला है और एक दशम स्थान मिला है, और शुक्र देवता को सुख स्थान और इनकम का स्थान मिला है। अब ये पूरे चारों घर एक साथ कंजुगेट, एक साथ प्रभाव जो है वो कहाँ पर दे रहे हैं, ये आपके लगन से द्वादश भाव में दे रहे हैं, जहाँ पर आपका मंगल ऑलरेडी द्वादश भाव में था, अब शुक्र भी द्वादश भाव में चला जाएगा। देखिए द्वादश भाव में शुक्र को जाने के लिए प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदना चाहते हैं, यानी प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का एक अकस्मात खर्च हो सकता है, जीवन साथी के हॉस्पिटलाइजेशन पे किसी प्रकार का अकस्मात खर्च हो सकता है, या जीवन साथी के साथ आप लंबी दूरी की यात्रा पर निकल जा रहे हैं उस पर किसी तरीके का खर्च होना है। निश्चित रूप से कहा जाए तो लग्जरी पर आपका कुछ ना कुछ खर्च होना यहाँ पर कन्फर्म है, जिससे कि एक केवल हॉस्पिटलाइजेशन वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी पोर्शन यहाँ पर ठीक दिखाई दे रहा है। हालांकि आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, आपके जीवन साथी के हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना यहाँ पर बन जाती है, लेकिन मन और मस्तिष्क पूरे तरीके से क्रिएटिव रहेगा, जबरदस्त ऊर्जा आपके अंदर संचार करेगा, जिस काम के लिए जिद कर लेंगे उस काम को किए बिना आप छोड़ नहीं पाएंगे, और इस समय बौद्धिक जो स्तर रहेगा बहुत तेजी से देखिएगा बदलाव आ रहा है और पॉजिटिव सोच ज़्यादा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, तो एटलीस्ट शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन शुक्र क्योंकि इनकम के मालिक होकर विदेश में जाकर बैठ रहे हैं तो अकस्मात देखिए खर्च तो ज़्यादा बढ़ेगा, और खर्च मैं बार बार बोल रहा हूँ लग्जरी पर खर्च होगा, और हेल्थ पर किसी ना किसी तरीके से जीवन साथी के हेल्थ पर कोई खर्च हो, चाहे आप उनका इंश्योरेंस खरीद रहे हो उस पर खर्च हो, किसी ना किसी तरीके से एक प्रकार का खर्च होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। खर्च को नियंत्रित रखना पड़ेगा, और विदेश में अगर रहते हैं, जन्म स्थान से दूर रहते हैं, तो बहुत अच्छा समय कर्क लगन के लिए आ रहा है। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन वाले जातकों का अगर हम चार्ट निकालते हैं तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए जो मंगल देव हैं एक तो नवम त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं और साथ में सुखेश हो जाते हैं, सुख के मालिक होते हैं, और शुक्र ग्रह को आपको दशम स्थान का मालिक मिला हुआ है और साथ में तृतीयेश हो जाते हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा, धन के
के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। कार्य व्यवसाय में आपके मान पद प्रतिष्ठा की बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगा, और क्योंकि मेहनत आपको ज्यादा करने के बाद ही सफलता मिलेगी। आय में जाकर ये दोनों ग्रह बैठ रहे हैं, मंगल और शुक्र दोनों आय में रहेंगे, तो ये इनकम के साधन को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। केवल अगर शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आय के साधन यहाँ पर बढ़ेंगे। प्रमोशन इत्यादि के होने की संभावना भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। छोटे भाई बहन और मित्र रिश्तेदार, वो भी अगर फीमेल टाइप के हों, यानी स्त्री वर्ग जो रहेंगे आपके सहयोगी स्त्री वर्गों का आपको सहयोग मिलेगा और मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, संतान से सुख की प्राप्ति होगी, और इस समय भाग्य का जो साथ रहेगा वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि सुख के मालिक के साथ अगर कोई ग्रह कंजुगेट करता है तो सुख की प्रधानता ज्यादा हो जाती है। तो ये समय सिंह लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए शुक्र के रिस्पेक्ट में काफी अच्छा है। हालांकि ओवरऑल गोचर का परिणाम जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ। सिंह लगन के बाद कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में बेसिकली जो शुक्र ग्रह रहेंगे वो आपके भाग्य भाव से निकलकर अब कर्म भाव में जा रहे हैं। कर्म भाव में आपके शुक्र के साथ मंगल भी रहेंगे। मंगल आपका मारक ग्रह है और इसको अच्छे स्थान नहीं मिले हैं कुंडली में। एक तो मेहनत का स्थान मिला, खूब मेहनत करना पड़ेगा, और रुकावटों का स्थान मिला, ऑब्स्टिकल्स का अष्टमेश है, इसलिए मंगल के साथ ये जाकर रुक रहे हैं। लेकिन आपके लगन का योग कारक ग्रह होने के कारण ऑब्स्टिकल अगर कार्य व्यवसाय में चल रही थी तो वो खत्म हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों को अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी खत्म हो जाएगी। लेफ्ट हैंड या लेफ्ट साइड में किसी प्रकार की परेशानी थी तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगा। और साथ में क्योंकि धन के मालिक होकर भाग्य में पहले बैठे थे, धन के मालिक होकर अब कर्म में जाकर बैठ रहे, तो निश्चित रूप से प्रमोशन का योग बनता है और धन की वर्षा कहना, लेकिन निश्चित रूप से आपका धनेश जो है वो भाग्य भाव में है तो धन का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी भी आपको बहुत गंभीरता से किसी भी विषय पर कॉन्क्लूजन करते समय दो बार जरूर सोच लेना चाहिए कि उस काम को करें या ना करें। भाग्य का सपोर्ट तो यहाँ पर मिल रहा है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में शुक्र देवता जो आपके लग्नेश हैं और साथ में अष्टम का दोष भी लेकर रहते हैं, इस समय अष्टम में थे, अब ये भाग्य में चले जा रहे हैं। तो भाग्य में जाने के कारण जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी ऑब्स्टकल्स थे, वहाँ से ये सेकेंड हाउस में चले जा रहे हैं। इसलिए या कहा जाए जहाँ जा रहे हैं वहां से ऑब्स्टिकल का घर 12th हाउस हो जा रहा है। तो ये स्थिति जो रहेगी अकस्मात धन प्राप्ति के योग का निर्माण कर देता है। जितनी बाधाएं थी उनको खत्म करने का योग बनता है और एक नए लाइफ को स्टार्ट करने का समय बनता है। नया लाइफ या नई जर्नी को स्टार्ट करने का समय निश्चित रूप से बनता है, क्योंकि जितना भी इफ बट चल रहा था अब वो खत्म हो रहा है तुला में। अब एक फाइनल डिसीजन की ओर आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन अभी भी परेशानी आपके जीवन लाइफ, मतलब जो आपके पारिवारिक जीवन में, यानी आपके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ भी एक बड़ा डिस्प्यूट अभी भी होते हुए दिखाई दे रहा है। लीगल मामले के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय तुला लगन वाले जातकों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, एक जर्नी को स्टार्ट करने का एक अच्छा समय यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहा है। मंगल देव भी साथ में रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन साथी का भाग्य भी यहाँ पर सपोर्टिव रहेगा, और साथ में आपका लग्नेश क्योंकि भाग्य में रहेगा तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए। देखिए, वृश्चिक लगन में जो मंगल और शुक्र की युति बनेगी, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन 2 मई को होगा और 30 मई तक ही रहेंगे वहाँ पर, तो मंगल के साथ शुक्र ये दोनों अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम जो होता है बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता है, लेकिन लग्नेश खुद अष्टम में हो, छठवें का मालिक आठवें में हो, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम रहेगा कंपैरेटिवली, एक तो चोट चपेट लगने की संभावना और ज़्यादा तीव्र हो जाएगी, उस पर भी अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है या गाइनों की प्रॉब्लम होती है तो वो परेशानी और बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और परिवार में वाद विवाद से बचिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी वृश्चिक लगन वाले जातक हैं, आराम
आराम से शांति के साथ बैठकर अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम को बढ़ाने से ना आप सुखी रह पाइएगा ना परिवार के लोग सुखी रह पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि शुक्र अभी तक अच्छे जगह पर बैठे थे, अब रुकावटों में जाकर बैठ रहे हैं। और रुकावट में जाकर बैठना और अष्टम में बैठना, और वो भी मंगल के साथ जो आपका लग्नेश है उसके साथ बैठना, तो निश्चित रूप से यहाँ पर परेशानी होगी। एक लंबी दूरी की यात्रा है, ज़रूर यहाँ पर शुक्रदेव ज़रूर कराएंगे, विदेशों से कुछ लाभान्वित करा देंगे। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि रोजगार से लेकर जहाँ पर बैठे वहाँ से रोजगार द्वादश होगा, तो निश्चित रूप से जॉब को चेंज करने का टाइम आ सकता है। और जिनके लीवर फैटी हैं उनको इस समय विशेष रूप से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक के बाद धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए धनु लग्न में जो शुक्र और मंगल दोनों उपस्थित हो रहे हैं, वो दोनों ही आपके सप्तम भाव में उपस्थित हो रहे हैं। आक्रोश बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर रहेगा, एक तो अब ऐसे ही माइंड पर शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, और अब सप्तम पर जो है आपका इनकम का मालिक, आपका रोग का मालिक सप्तम में चला जाएगा, तो निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के साथ आपका अलगाव हो जाएगा, आपके जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े बहुत तगड़े हो जाएंगे, कुछ दिनों तक सेपरेशन के योग भी बनते हैं। और माइंड जो रहेगा वो कोई भी काम को शांति प्रिय तरीके से नहीं करने का करेगा, हमेशा डिप्रेशन में ज़्यादा रहना, इस कारण से परेशानी रहेगी। और लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो, उसमें अकस्मात दर्द का उठना, ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। संतान को लेकर भी कष्ट होता दिखाई दे रहा है। धनु लगन के लिए ये परिवर्तन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि एक काम ज़रूर यहाँ पर होगा, आय के क्षेत्र में एनर्जेटिक हो जाएंगे, इनकम के लिए बहुत मेहनत करेंगे, और उसका परिणाम भी आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो टाइम है वो अच्छा नहीं है, और वाड़ी पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में जो ये गोचर बन रहा है टोटल मिलाकर, वो आपके लगन से छठवें भाव में जाकर शुक्र भी हैं, छठवें भाव में जाकर मंगल भी जाकर बैठे हुए हैं, तो ये स्थान जो रहेगा वो निश्चित रूप से कहा जाए कि शुक्र का उस जगह पर बैठना, क्योंकि आपके पंचमेश का छठवें घर में बैठना, आपके दशमेश का पंच इसमें जाकर बैठना, काम को लेकर स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, काम को लेकर यात्राएं होंगी, इंपोर्ट का काम करते हैं तो बेहतरीन चलने वाला है। और साथ में अपने संतान को अगर विदेश भेजना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, उनके शिक्षा पर, या खुद भी अगर आप शिक्षा के लिए विदेश में जाना चाह रहे थे वो नहीं बन रहा था, तो अब इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये बनेगा। लेकिन स्त्रियों से बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है और छठवें भाव में जाकर बैठा हुआ है। छठवें भाव का जो शुक्र है वो निश्चित रूप से लीगल केसेस में थोड़ी परेशानी बढ़ाएगा, और ये स्त्रियों के कारण लीगल केसेस हो सकती हैं। इसके अलावा छठवें घर का जो शुक्र रहेगा वो यूरिन इन्फेक्शन होना और महिलाओं के लिए गायनों की प्रॉब्लम भी बहुत ही इसे बढ़ा देगा, लेकिन कार्यस्थल के लिए ज़बरदस्त रिस्पांस आपको मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। मकर लगन के लिए कार्य बनेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मकर लगन के बाद हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में जो मंगल देव हैं, एक तो आपके दशम भाव के मालिक हैं और आपके पराक्रम के मालिक हैं, और खुद जाकर पंचम में बैठे हैं, और साथ में शुक्र देवता को जो डिपार्टमेंट मिला है, सुख का डिपार्टमेंट मिला है और भाग्य का, दोनों ही अच्छे डिपार्टमेंट है, दोनों पंचम में जा रहे हैं, इससे अच्छा तो कभी योग बन ही नहीं सकता कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। तो सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित मिलेंगे तो कुंभ लगन वाले जातकों को, भाग्य भी साथ देगा, इनकम भी बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, मित्र रिश्तेदारों में नेम फेम भी बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा, हर तरीके से कहा जाए कुंभ लगन वाले जातकों के लिए अच्छा है। और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा बढ़ता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी कुंभ लगन में एटलीस्ट मुझे नहीं दिख रहा है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए, तो मीन लगन में देखा जाए तो मंगल योग कारक होता है, धन का मालिक है, साथ में भाग्य का मालिक है, और खुद सुख स्थान पर बैठे हैं, तो भाग्य से भी सुख, पिता से भी सुख, और साथ में धार्मिक यात्राओं से भी सुख की प्राप्ति, परिवार से भी सुख प्राप्ति, यानी हर तरीके से सुख का माहौल यहाँ पर मंगलदेव ऑलरेडी कर चुके हैं। और शुक्र, क्योंकि आपके छोटे
भाई बहन का मालिक है तो छोटे भाई बहनों से सुख की प्राप्ति मिल जाना, और साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका अष्टमेश होने के दोष के कारण थोड़ी सी परेशानी आपके लेफ्ट पोर्शन में या राइट हैंड में कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो सकती है। मतलब ENT पोर्शन जो रहेगा, आईज नोज थ्रोट वाला जो पोर्शन होता है, वो कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। और ये समय जो रहेगा थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा, किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात स्वास्थ्य को लेकर आ सकती है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का शुक्र का जो ये परिवर्तन हो रहा है 2 मई से लेकर 30 मई तक का। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जाते जाते मैं ये बता दूं कि हमारा जो दूसरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा का नाम से जो एक चैनल मैंने बनाया हुआ है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें केवल एस्ट्रोलॉजी को समझने वाले लोगों के लिए वो चैनल स्टार्ट किया गया है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे राहु के बारे में बता रहा हूँ, केतु के बारे में बता रहा हूँ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसमें केवल ज्योतिष को सीखने से संबंधित चीज़ों का वीडियो उसमें रहेगा, और प्रिडिक्शन का पार्ट और गोचर का पार्ट इस वाले चैनल पर रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।